जीवन में असंभव कुछ नहीं होता। मनुष्य चाहे तो कौन सी भी चीज वह हासिल कर सकता है। मनुष्य को केवल अपने मन में सकारात्मक विचार करना होगा। हमारे विचार ही हमको काम करने की ऊर्जा देते हैं। इसलिए विचार अगर ठीक होंगे और सकारात्मक होंगे तो हम जितने घंटे चाहे उतने घंटे आराम से काम कर सकते हैं। ऐसी सिख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी, इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं होता। पुराने गुरुकुल में एक सुबह एक गुरु अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो शिष्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप यह महसूस करेंगे कि ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये सबको समान रूप से अवसर देती है। यह हर एक के लिए अपार संभावनाएं हैं, अतः भंडार है जो जितना चाहे ले सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप यह भी महसूस करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता, क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है, उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है। कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता? कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? मगर फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमें यह सब पानी से रोकती है? वो है हमारे खुद के नकारात्मक विचार, वो है हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत, और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं। और यही वह सूक्ष्म रहस्य है, अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना, उन्हें नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ना, खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना। गुरु ने आगे कहा, क्या आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी देता? लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अक्सर वो सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नकारात्मक भावनाओं की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं। गुरु ये सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिष्य खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है, गुरुदेव क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिंदगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस हमें हर सुबह और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है। हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपनी हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला समय तो किसी ने नहीं देखा है ना। अक्सर हम सभी सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। ये बात सच है, लेकिन यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीने से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे, और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्साह के साथ करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। गुरु ने आगे कहा, अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जीवन का यही नियम है, अपनी आराम की स्थिति में रहते हुए आप कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। जीवन में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत करो। जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं और आप परेशान हो चुके हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा, अपने सोचने के तरीके को भी बदलना होगा। चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वहीं कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, आप बस उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत हैं, और आपकी जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी आप उतने ही मजबूत होते चले जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सबक देकर जाती है, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिंदगी खुशियों और कामयाबियों से भर जाएगी। पूरे काम करके ये मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा, तभी आप पर इस ब्रह्मांड की मेहरबानी होगी। इसीलिए अपनी सोच और अपने कर्म पर सही नियंत्रण रखो।
हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, ये काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर निर्भर करता है। एक नकारात्मक मानसिकता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है, जबकि सकारात्मक सोच हमें जीवन के उन चीजों की अहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास है और उस ब्रह्मांडीय शक्ति की कृपा से हमें मिली है। गुरु ने आगे कहा, अपने मन को शांत रखना सीखो। दिन भर की भाग दौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखो। एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पिता या पति हूं, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूं। आप जितनी गहराई से अपने अंदर झांकेंगे उतना ही ज्यादा खुद को जान जाएंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का स्वभाव और उनको समझने लगेंगे। फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात बात पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो उस काम को मत कीजिए और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिए। जो दिल करे वो करो, खुद को बंदरों में मत बांधो। लेकिन हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो कि वो मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। आपके दिल की चाहत कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई नया व्यापार शुरू करना, किसी नए शहर में जाकर अपनी किस्मत आजमाना या फिर कुछ महत्वपूर्ण हासिल करना। जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो। ये मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा, जो मन में है बस उसे कर डालो। अक्सर हम उधेड़बन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारा दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और, लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है। यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, गुरु ने आगे कहा, लेकिन कम से कम आपको इस बात का पछतावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाएं। गुरु ने आगे कहा, आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है, इसकी आवाज को कभी भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको टोकती है, गलत करने से रोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास, जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक कर देखो। ये देखो कि तुम्हारे पास क्या क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है। जिंदगी की सुंदरता को आप केवल तभी महसूस कर पाएंगे जब आप धन्यवाद के भाव से भरे रहेंगे, बजाय यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है। यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है, और इसी संतोष की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो। इतना कहने के बाद गुरु कुछ देर के लिए मौन रहे और फिर कहना शुरू किया, क्या आप जानते हैं, शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए शब्दों का उपयोग सोच समझकर करना होता है। ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुभ जाए। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है ना। अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा कहने से बचो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बात करते समय अपनी आवाज में नमी रखो, जहां तक हो सके साफ बात कहो लेकिन प्रेम से कहो। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हाँ, लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है, क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है, आप दूसरों से किस तरह से पेश आते हैं। ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आपको अजीब लगे, लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहिए और खुद को विनम्र वो अंदर से शांत रखने का प्रयास करेंगे। अगर एक इंसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करना ही होगा। गुरु ने आगे कहा, दुनिया में प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्रेम आपको आबाद भी कर सकता है और ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। हालांकि प्रेम को ना समझना ही बर्बाद करेगा, क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज है। प्रेम ही ईश्वर है ऐसा कहा जाता है।
अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो। जिससे दिल में प्रेम होता है वहीं दिल आबाद होता है। जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। उसके अंदर दूसरों के प्रति बुरी और नकारात्मक भावनाएं आ ही नहीं सकती। असल में प्रेम के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी और संतुष्टि मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग स्वार्थी और धोखेबाज होते हैं खुशियां उनसे दूर भागती है। वो चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर लें लेकिन अंदर से वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते। और जहां खुशी है वहीं प्रेम है। इतना कहने के बाद गुरु ने अपना प्रवचन समाप्त किया और फिर सभी शिष्य अपने अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दोस्तों इस तरह के विचार अपने दिमाग को देने से और विचारों को सकारात्मक रखने से निश्चित रूप से जिंदगी बदलेगी। तो आइए आप जल्दी से समराइज कर लेते हैं कि हमने इस कहानी में क्या क्या सीखा। इस वीडियो में आपने खुद से की जाने वाली सकारात्मक बातचीत की ताकत के बारे में जाना और ये भी जाना कि खुद की काबिलियत पर संदेह करना हमें नीचे खींचता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहो क्योंकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस वीडियो में आपने ये भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां अपनी खूबियां और अपने लक्ष्य स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी है और यह याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। आपने इस कहानी में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में पहले से ही काफी बुराइयां हैं और हमारे अंदर की बराई हमें मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखो। अच्छा सोचो अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर पर मत उठने दो। ये सब करना हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो क्योंकि इससे जो खुशी मिलती है वो कभी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो और अच्छा करो। तो फिर देर किस बात की है, आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाओ। तो दोस्तों अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी आइए दोस्तों गौतम बुद्धा जी की एक ऐसी धार्मिक कहानी का आनंद लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बुद्धा जी कितने गूढ़ ज्ञानी और धर्म के झाता थे। कहते हैं जैसे केले के पात पात में पात वैसे गूढ़ व्यक्ति के बात बात में बात। दोस्तों कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ जा रहे थे। उनका सफर बहुत लंबा था। सुबह से शाम हो चुकी थी सभी बहुत थक गए थे तो उन्होंने सोचा आज एक नजदीक के गांव में आराम करते हैं। उन्हें पास ही में एक गांव दिखाई दिया। वे लोग गांव वालों से मिले और उन्हें बताया कि आज रात्रि को वे विश्राम करना चाहते हैं। वहां के लोग बहुत अच्छे थे। गांव वालों ने उनका बहुत स्वागत किया उनके खाने के लिए अच्छे पकवान बनाए। रात में लोग उनके पास आए और उनके अच्छे वचन सुने। उनके विश्राम के लिए अच्छे से अच्छा इंतजाम किया। सुबह जब बुद्ध जी और उनके अनुयायी गांव से जाने लगे तो सभी लोग उनको छोड़ने आए। सभी लोगों ने उनसे आशीर्वाद लिया। जब बुद्ध जी उस गांव की सीमा से बाहर आए तो जी ने गांव की तरफ देखते हुए कहा ये गांव जल्दी से जल्दी उजड़ जाए। महात्मा बुद्ध के शिष्य आचार्य चकित हो गए और वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे पर कुछ भी ना बोले। उन्होंने आगे की यात्रा शुरू की। कुछ दिनों बाद नजदीक के एक गांव में रुकने का विचार किया। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों ने वहां के लोगों से अपनी इच्छा व्यक्त की। वहां के किसी भी गांव वालों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी न तो उनका स्वागत किया और न ही उनके रुकने की व्यवस्था की। उनको घर का बचा खुचा खाना दिया। कोई उनसे मिलने नहीं आया। वहां सभी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। सभी अनुयायी बहुत उदास हो गए। उन सभी को रात एक मंदिर के प्रांगण में बितानी पड़ ही। सुबह उठ के बुद्ध जी और अनुयायी वहां से जाने लगे तो उनसे कोई मिलने भी नहीं आया। जब वे सभी गांव की सीमा से बाहर चले गए तो बुद्ध जी ने गांव की तरफ देखकर कहा ये गांव हमेशा यहीं बसा रहे। अब बुद्ध जी के अनुयायियों से नहीं रहा गया। उनमें से एक अनुयायी बोला महात्मा क्षमा करे एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि कहीं आपने दोनों को आशीर्वाद उल्टा तो नहीं दे दिया है। बुद्ध जी अपने अनुयायियों की मनोदशा समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तुम अगर मेरे वचनों पे जाओगे तो ऐसा ही लगेगा।
मगर तुम अगर उस आशीर्वाद के फल की तरफ ध्यान दो तो समझ में आएगा कि आशीर्वाद सही है। पहले गांव वाले बहुत अच्छे थे, वे जहां भी जाएंगे अपनी अच्छी बातें सभी को बताएंगे। अगर वो सब जगह फैल जाए तो सब जगह अच्छाई फैल जाएगी, इसलिए मैंने उनको आशीर्वाद दिया कि गांव उजड़ जाए। दूसरे गांव वाले बहुत बुरे थे, वे जहां भी जाएंगे हर जगह नफरत फैलाएंगे, इसलिए उन गांव वालों का एक जगह रहना अच्छा है। इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया कि ये गांव हमेशा यहीं बसा रहे। दोस्तों, ऐसा ही होता है, हम बिना बात का मतलब समझते हैं, दूसरे को गलत समझते हैं। हम दूसरे की सोच को नहीं समझते कि उसने ये बात क्यों कही होगी। हम केवल बात सुनकर उस इंसान को अच्छा या बुरा समझते हैं। ऐसा करके हम एक बहुत अच्छे इंसान से दूर हो सकते हैं। महात्मा बुद्धा ने बहुत ही सरल शब्दों में अपने शिष्यों के विचारों की उथल पुथल का समाधान कर दिया। वही शिष्य ने भी अपनी दुविधा को अपने मन में नहीं रखा, बुद्ध जी के साथ अपनी दुविधा का निदान कर लिया। इससे बुद्ध जी उनकी नजरों में महान बन गए। हमें भी जब भी किसी की बात अच्छी न लगे या समझ में न आए तो हमें अकेले में उससे बात करनी चाहिए। इससे आपके मन में उसके लिए कोई दुविधा नहीं रहेगी या आप किसी गलत फहमी की वजह से उस इंसान से दूर नहीं होंगे। तो दोस्तों, अब चलिए हमारी तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, बार बार रास्ता बदलने से नहीं मिलती है कामयाबी। लक्ष्य बड़ा है तो धैर्य के साथ सही दिशा में आगे बढ़े। जो लोग धैर्य से काम नहीं लेते हैं उनकी परेशानियां बढ़ती हैं और वे किसी भी काम में सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो धैर्य होना बहुत जरूरी है। इस संबंध में गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कथा प्रचलित है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते रहते थे। इस दौरान वे आसपास होने वाली घटनाओं से भी जीवन में सुख शांति बनाए रखने के उपदेश देते थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक खेत में बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक ही खेत में इतने सारे गड्ढे देखकर सभी शिष्य हैरान थे। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने एक साथ इतने गड्ढे क्यों खोदे हैं। शिष्यों ने बुद्ध से पूछा, तथागत कृपया बताएं, एक खेत में इतने सारे गड्ढों का क्या रहस्य है। बुद्ध ने कहा, इस खेत के मालिक ने पानी की खोज करते हुए इतने गड्ढे खोद दिए हैं। वह कुआं खोद रहा था लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। थोड़ा सा गड्ढा खोदने पर पानी नहीं निकला तो उसने दूसरा गड्ढा खोदना शुरू किया। दूसरे में पानी नहीं निकला तो तीसरा गड्ढा खोदा। इसी तरह उसने खेत में जगह जगह गड्ढे खोद दिए। अगर पर धैर्य के साथ एक ही जगह पर गड्ढा खोदते रहता तो उसे पानी जरूर मिल जाता। कथा की सीख, जिन लोगों में धैर्य की कमी है वे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। जल्दबाजी में काम सुधरते नहीं है बल्कि बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हमेशा धैर्य धारण किए रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, क्यों कोशिशों के बावजूद सफलता रहती है दूर। गौतम बुद्ध की इस कहानी से मिलेगी सही दिशा। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के अनमोल विचारों से व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने की प्रेरणा मिलती है। यही कारण है कि भारत समेत दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। गौतम बुद्ध से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जीवन में सफलता के नए और सटीक मार्ग प्रशस्त होते हैं। सफलता से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में पानी की व्यवस्था न होने के कारण लोग परेशान थे। गांव के लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। गांव के निकट बहुत बड़ा मैदान था जिसमें छोटे छोटे बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए थे। एक भिक्षु ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए गौतम बुद्ध से पूछा कि गांव के इस मैदान में जो इतने सारे गड्ढे खुदे हुए हैं आखिर उनका क्या उपयोग है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपने भिक्षु को जवाब देते हुए कहा कि प्रिय भिक्षु, इस गांव में पानी की समस्या है, इसीलिए गांव वालों ने पानी की खोज में ये छोटे छोटे गड्ढे खोदे हैं। इतना सुनते ही भिक्षु उन गड्ढों में पानी ढूंढने लगता है लेकिन उसे पानी की बूंद भी नहीं मिलती। फिर वह गौतम बुद्ध से कहता है कि इन गड्ढों में तो पानी ही नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुम्हें वहां लोगों की भीड़ दिख रही है, वे सभी लोग गांव से दूर एक नदी की ओर पानी लाने के लिए जा रहे हैं। इस पर भिक्षु पूछता है कि क्या इस गांव के जमीन में बिल्कुल भी पानी नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, पानी तो है लेकिन गांव में ऐसा कोई नहीं है जो पानी को ढूंढ सके। भिक्षु को बुद्ध की बात समझ नहीं आई। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, गांव के लोगों ने पानी की खोज में ही मैदान में इतने सारे गड्ढे तो कर दिए हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें पानी प्राप्त नहीं हुआ। तुम जानते हो ऐसा क्यों?
इसका कारण यह है कि समस्या के समाधान के लिए सही जगह परिश्रम नहीं की गई है। यदि गांव के लोग अलग अलग कई गड्ढे करने के बजाय सही दिशा में केवल एक गड्ढा ही करते, जो कि 100 गड्ढों के बराबर होता, तो इन्हें अवश्य ही पानी मिल जाता। सीख गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य का मन भी ठीक इसी तरह से 100 दिशाओं में भागता है, लेकिन यदि मन को एक दिशा में केंद्रित कर काम किया जाए तो लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचा जा सकता है और सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। असफलता का कारण मन का चारों ओर भटकना ही है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे पांचवें कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी, एक बार की बात है, एक कारवां नेता था। वह एक देश से दूसरे देश जाकर विभिन्न सामान बेचते थे। उनके कारवां में आमतौर पर कम से कम 500 बैलगाड़ियां होती थीं। इनमें से एक यात्रा पर उनका रास्ता बहुत घने जंगल से होकर जाता था। इसमें प्रवेश करने से पहले उन्होंने कारवां के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाया। उसने उन्हें चेतावनी दी, मेरे दोस्तों, जब तुम इस जंगल से होकर जाओ तो जहरीले पेड़ों, जहरीले फलों, जहरीले पत्तों, जहरीले फूलों और यहां तक कि जहरीले छत्ते से भी सावधान रहो। इसलिए जो कुछ भी तुमने पहले नहीं खाया है, चाहे फल, पत्ती, फूल या कुछ और, पहले मुझसे पूछे बिना नहीं खाना चाहिए। उन सभी ने आदरपूर्वक कहा, हां श्रीमान। जंगल में एक गांव था। गांव के ठीक बाहर एक पेड़ खड़ा था जिसे व्हाटनॉट ट्री कहा जाता था। इसका तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल बिल्कुल आम के पेड़ के समान दिखते हैं। यहां तक कि रंग, आकार, गंध और स्वाद भी बिल्कुल आम के पेड़ जैसा ही होता है। लेकिन आम के विपरीत व्हाटनॉट फल एक घातक जहर है। कुछ लोग कारवां से आगे बढ़े और व्हाटनॉट पेड़ पर आ गए। वे सभी भूखे थे और न जाने क्या क्या फल स्वादिष्ट पके आम जैसे लग रहे थे। कुछ ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत फल खाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उन्होंने उन्हें खा लिया। दूसरों को नेता की चेतावनी याद थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक अलग किस्म का आम का पेड़ है। उन्होंने सोचा कि वे भाग्यशाली थे कि उन्हें गांव के ठीक बगल में पके आम मिले। इसलिए उन्होंने सभी फल खत्म होने से पहले उनमें से कुछ फल खाने का निर्णय लिया। कुछ ऐसे भी थे जो बाकियों से अधिक बुद्धिमान थे। उन्होंने निर्णय लिया कि कारवां नेता की चेतावनी का पालन करना अधिक सुरक्षित होगा। हालांकि वे यह नहीं जानते थे, वह बस एक प्रबुद्ध व्यक्ति था। जब नेता पेड़ के पास पहुंचे तो जो लोग सावधान थे और उन्होंने कुछ नहीं खाया था, उन्होंने पूछा, सर, ये कौन सा पेड़ है? क्या इन फलों को खाना सुरक्षित है? सोच समझकर जांच करने के बाद उसने उत्तर दिया, नहीं नहीं, ये आम के पेड़ जैसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह एक जहरीला पेड़ है, इसे छूना भी मत। जो लोग पहले ही व्हाटनॉट फल खा चुके थे, वे भयभीत हो गए। कारवां नेता ने उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सके उल्टी कर लें। उन्होंने ऐसा किया और फिर उन्हें खाने के लिए 4 मीठे खाद्य पदार्थ दिए गए, किशमिश, गन्ने की चीनी का पेस्ट, मीठा दही और मधुमक्खी का शहद। इस तरह जहरीले व्हाटनॉट फल को फेंकने के बाद उनकी स्वाद कलिकाएं ताजा हो गईं। दुर्भाग्य से सबसे लालची और सबसे मूर्ख लोगों को बचाया नहीं जा सका। ये वे लोग थे जिन्होंने जहरीले फल बिना कुछ सोचे समझे तुरंत खाना शुरू कर दिया था। उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। जहर ने पहले ही अपना काम करना शुरू कर दिया था और उसने उन्हें मार डाला। अतीत में जब कारवां व्हाटनॉट पेड़ पर आते थे तो लोगों ने इसके जहरीले फल खाए थे और रात के दौरान नींद में ही मर गए थे। अगली सुबह स्थानीय ग्रामीण शिविर स्थल पर आए थे। उन्होंने शवों को पैरों से पकड़ लिया था, उन्हें घसीटकर एक गुप्त छिपने की जगह पर ले गए और उन्हें दफना दिया। तब उन्होंने कारवां का सारा माल और बैलगाड़ियां अपने लिए ले ली। उन्हें इस बार भी वैसा ही प्रदर्शन की उम्मीद थी। अगली सुबह भोर होते ही ग्रामीण व्हाटनॉट पेड़ की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने एक दूसरे से कहा, बैल मेरे होंगे, मुझे गाड़ियां और वैगन चाहिए, मैं ढेर सारा माल लूंगा। लेकिन जब वे व्हाटनॉट पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कारवां में शामिल अधिकांश लोग जीवित और स्वस्थ थे। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर उनसे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह आम का पेड़ नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते थे, परंतु हमारे नेता ने हमें पहले ही चेतावनी दे दी थी और जब उसने देखा तो उसे पता चल गया। तब ग्रामीणों ने कारवां नेता से पूछा, हे बुद्धिमान, तुम्हें कैसे पता चला कि यह आम का पेड़ नहीं है? उन्होंने उत्तर दिया, मैं इसे 2 कारणों से जानता था। पहला, इस पेड़ पर चढ़ना आसान है और दूसरा, यह एक गांव के ठीक बगल में है। अगर ऐसे पेड़ पर लगे फल बिना टूटे रह जाएं, तो उन्हें खाना सुरक्षित नहीं हो सकता।
हर कोई आश्चर्यचकित था कि ऐसी जीवनरक्षक बुद्धि इतने सरल सामान्य ज्ञान पर आधारित थी। कारवां सुरक्षित अपने रास्ते पर चलता रहा। नैतिक बात यह है, बुद्धिमानों का नेतृत्व सामान्य ज्ञान से होता है, मूर्ख केवल भूख का अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे छठे कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी दोस्तों बात बहुत समय पहले की है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति का जन्म उत्तर पश्चिमी भारत में एक उच्च वर्गीय परिवार में हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसका साधारण जीवन उसे स्थायी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भिक्षु के रूप में हिमालय में रहने चले गए। उन्होंने ध्यान किया और ज्ञान और मन की शांति प्राप्त की। एक दिन उसने जंगलों से राजगृह शहर आने का फैसला किया। जब वह पहुंचा तो वह राजा के आनंद उद्यान में रात भर रुका। अगली सुबह वह भिक्षा का भोजन इकट्ठा करने के लिए शहर में गया। राजा ने उसे देखा और उसके विनम्र और गरिमामय रवैये से प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने उसे महल में आमंत्रित किया। उसने उसे बैठने की जगह दी और खाने के लिए सर्वोत्तम भोजन दिया। फिर उसने उसे हमेशा के लिए बगीचे में रहने के लिए आमंत्रित किया। पवित्र व्यक्ति सहमत हो गया और तब से वह राजा के आनंद उद्यान में रहने लगा। उस समय शहर में एक पुजारी था जिसे भाग्यशाली कपड़े वाले व्यक्ति के नाम से जाना जाता था। वह कपड़े के टुकड़े की जांच करके अच्छे या बुरे भाग्य की भविष्यवाणी करता था। एक दिन हुआ यूं कि उसके पास कपड़ों का एक नया सूट था। एक दिन नहाने के बाद उन्होंने अपने नौकर से सूट लाने को कहा। नौकर ने देखा कि इसे चूहों ने थोड़ा सा चबा लिया है, तो उसने पुजारी को बताया। भाग्यशाली कपड़े वाले व्यक्ति ने सोचा, चूहों द्वारा चबाए गए इन कपड़ों को घर में रखना खतरनाक है। यह एक अभिशाप का निश्चित संकेत है जो मेरे घर को नष्ट कर सकता है, इसलिए मैं उन्हें अपने बच्चों या नौकरों को भी नहीं दे सकता। अभिशाप अभी भी मेरे घर में होगा। दरअसल मैं इन बदकिस्मत कपड़ों को किसी को नहीं दे सकता। अब एकमात्र सुरक्षित काम यह है कि इनसे एक बार और हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया जाए। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन्हें शव गृह में फेंक दिया जाए, वह स्थान जहां शवों को जंगली जानवरों के खाने के लिए डाल दिया जाता है। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अगर मैं किसी नौकर को ऐसा करने के लिए कहूंगा तो उसकी इच्छा उसे कपड़े रखने पर मजबूर कर देगी और अभिशाप मेरे घर में बना रहेगा। इसलिए मैं यह काम केवल अपने बेटे को सौंप देता हूं। उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और चूहों द्वारा हल्के से चबाए गए कपड़ों के श्राप के बारे में सब बताया। उसने उससे कहा कि वह उन्हें अपने हाथ से भी न छुए। उसे उन्हें एक छड़ी पर ले जाना था और लाशों के मैदान में फेंकना था। फिर घर लौटने से पहले उसे सिर से पैर तक स्नान करना चाहिए। बेटे ने पिता की बात मानी। जब वह छड़ी पर कपड़े लेकर शवगृह में पहुंचा तो उसने पवित्र व्यक्ति को द्वार के पास बैठे हुए पाया। जब भाग्यशाली कपड़े वाले व्यक्ति के बेटे ने शापित सूट फेंक दिया तो पवित्र व्यक्ति ने उसे उठा लिया। उन्होंने इसकी जांच की और चूहों द्वारा बनाए गए छोटे दांतों के निशान देखे, लेकिन चूंकि उन पर ध्यान देना मुश्किल था इसलिए वह सूट को अपने साथ आनंद उद्यान में वापस ले गया। अच्छी तरह नहाने के बाद उनके बेटे ने अपने पिता को बताया कि क्या हुआ था। उसने सोचा, कपड़ों का यह शापित सूट राजा के पसंदीदा पवित्र व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, मुझे उसे चेतावनी देनी चाहिए। तो वह आनंद वाटिका में गया और बोला, हे पवित्र, जो अशुभ कपड़ा तूने लिया है कृपया इसे फेंक दे, यह शापित है और तुझे हानि पहुंचाएगा। लेकिन पवित्र व्यक्ति ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, जो अन्य लोग शवों के मैदान में फेंक देते हैं वह मेरे लिए आशीर्वाद है। हम वनध्यानी अच्छे और बुरे भाग्य के दृष्टा नहीं हैं। सभी प्रकार के बुद्ध और प्रबुद्ध प्राणियों ने भाग्य के बारे में अंधविश्वास छोड़ दिया है। जो कोई बुद्धिमान है उसे ऐसा ही करना चाहिए। भविष्य कोई नहीं जानता। वास्तव में बुद्धिमान और प्रबुद्ध लोगों के बारे में सुनकर पुजारी भाग्यशाली कपड़े वाले व्यक्ति को पता चला कि वह कितना मूर्ख था। तब से उन्होंने अपने कई अंधविश्वासों को त्याग दिया और विनम्र पवित्र व्यक्ति की शिक्षाओं का पालन किया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि एक मूर्ख का श्राप एक बुद्धिमान व्यक्ति का आशीर्वाद हो सकता है। तो दोस्तों, अब चलिए हमारे सातवें कहानी की शुरुआत करते हैं। सातवीं कहानी दोस्तों, एक और नई कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध गांव था जिसमें सबसे धनी ग्रामीणों ने सोने की एक बड़ी गांठ को डाकुओं और लुटेरों से बचाने के लिए छिपाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने उसे पास के चावल के खेत में गाड़ दिया। फिर कई वर्षों बाद एक गरीब किसान ने खेत जोतने का फैसला किया।
कुछ देर हल चलाने के बाद ऐसा हुआ कि उसका हल लंबे समय से गड़े हुए खजाने से टकराया। पहले तो उसने सोचा कि यह कोई बहुत कठोर पेड़ की जड़ होगी, परंतु जब उसने उसे उघाड़ा तो क्या देखा कि वह सुंदर चमकता हुआ सोना है। चूंकि दिन का समय था, इसलिए वह इसे अपने साथ ले जाने का प्रयास करने से डर रहा था, इसलिए उसने इसे फिर से ढक दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। किसान आधी रात को लौट आया। उसने फिर से सोने का खजाना खोज निकाला। उसने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने उसके चारों ओर रस्सियां बांध दी और उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह इतना बड़ा था कि वह उसे एक इंच भी हिला नहीं सका। वह यह सोचकर निराश हो गया कि खजाना पाकर वह भाग्यशाली है और उसे अपने साथ न ले जा पाने के कारण वह दुर्भाग्यशाली है। उसने सोने की विशाल पेटी को लात मारने की भी कोशिश की, लेकिन फिर से वह यह एक इंच भी नहीं हिलेगा। फिर वह बैठ गया और स्थिरता से विचार करने लगा। उसने निर्णय लिया कि केवल एक ही काम करना है, और वह है सोने की गांठ को चार भागों में तोड़ना। तब वह एक समय में एक टुकड़ा घर ले जा सकता था। उसने सोचा, एक गांठ का उपयोग मैं सामान्य दैनिक जीवन के लिए करूंगा, दूसरी गांठ में बरसात के दिनों के लिए बचा कर रखूंगा, तीसरी गांठ में अपने खेती व्यवसाय में निवेश करूंगा, और चौथी गांठ से मैं पुण्य प्राप्त करूंगा, इसे गरीबों और जरूरतमंदों और अन्य अच्छे कार्यों के लिए देना। शांत मन से उसने सोने की विशाल गांठ को चार छोटी गांठों में विभाजित कर दिया। फिर उन्हें चार अलग अलग यात्राओं पर घर ले जाना आसान था। बाद में वह सुखपूर्वक रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि जितना आप चबा सकते हैं उससे अधिक न काटें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।